हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मेरे साथ भी एक कौन है, देखिए। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम वाले बाबा के दरबार में। तो देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं, और टाइमिंग हो रही है अभी कितना टाइमिंग हो गया है, 11:04, यानी कि नाइट का वक्त है भाई, ठीक है। और हमारी ट्रेन जो है वो 12 के करीबन आएगी। तो हम थोड़ा सा क्या है, घूमने के लिए आए थे, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है ट्रेन आने में, तो थोड़ा सा टहलने आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस ब्लॉग में और अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले हैं, तो काफ़ी मनोरंजन होने वाला आप सभी का। तो मेरी जो जर्नी है भाई, अब स्टार्ट हो रही है ब्लॉग 1। देख रहे हैं आप, ये लिफ्ट है, लिफ्ट से धीमे धीमे करके एक घंटा हो गया ना ऊपर चढ़ रहा है। बड़ी लिफ्ट है, काफ़ी बड़ी लिफ्ट है। देखो मेरे पीछे देखो बड़ी लिफ्ट है। ऑलराइट, तो हम लोग बैठ चुके हैं आप ट्रेन में। तो आप देख सकते हो नाइट का वक्त है, और ये है जनरल बोगी। तो कुछ इस प्रकार भीड़ रहती है भाई, कोई मोबाइल चला रहा है, पर ज़्यादातर लोग तो सो रहे हैं क्योंकि नाइट का वक्त है, हो सकता है हमको भी नींद आया। चलिए आगरा पहुँच के मिलते हैं। फाइनली हमें अभी आगरा कैंट का जो है बोर्ड नहीं दिखा, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगरा पहुँच चुके हैं। क्यों पहुँच चुके हैं, आगरा पहुँच चुके हैं। ये बोर्ड तो दिखा नहीं हमें, हम ट्रेन से डायरेक्टली उतर गए, अब पहुँच ही जाएंगे। चलिए अब आगे का सफ़र और करते हैं, अभी थोड़ा सा पहले बाहर जा रहे हैं। अभी बज गए 3:20 हो गए, नहीं 3:25 हो गए, सॉरी 3:25 हो गए। बाहर खाने पीने के लिए थोड़ा सा अब जा रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आई थिंक, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा उसके लिए सॉरी। 3:32 हो गए भाई साहब, चलिए अब आगे चलते हैं। फाइनली हम चल रहे हैं अभी आगरा की सड़कों पर, मेन रोड पर। तो क्या है ना, वहाँ से जब आए थे आगरा कैंट से, तो आगरा कैंट से आगरा फोर्ट की दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर। तो हमने सोचा यार पैर जो है ना बहुत ज़्यादा जाम हो गए, थोड़ा सा हमने सोचा कि 4 किलोमीटर का वॉकिंग कर लिया जाए। तो इसी बहाने हमारे पास अभी टाइम भी था, तो हम पैदल अभी यात्रा कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हमने पैसे बचाए हैं भाई, 10-20 रुपये में क्या वे कर रहा था भाई, नहीं हमको पैदल यात्रा करनी है तो करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो पर आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही मनोरंजन लेती रहिए। एक दिन हो गया हमें पूरा, आप सोई नहीं हम, ठीक है। और अभी चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। दोस्तों फाइनली 1 घंटे की मेहनत करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं आगरा फोर्ट स्टेशन, और अब यहाँ से हम पकड़ेंगे अजमेर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 4.7 किलोमीटर चला है, 4.7 किलोमीटर यार, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास मान लो। अब यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे भाई जयपुर के लिए। तो अब मिलते हैं भाई जयपुर वाली ट्रेन में। फाइनली हम किसी स्टेशन पर पहुंच गए हैं, और उस स्टेशन का देखता हूं क्या नाम है, थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा। पहुंच चुके हैं, ये लोकल ट्रेन है यार, चालू कैसे हो गई यार, क्यों? अरे यार देख यार, हाँ यही तो बता रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी आगरा कुछ बता भी नहीं यार, उड़ती है तुम, कब से स्टार्ट हो गई यार ये? ये भाई उधर
कौन सा जंक्शन है भाई, कौन सा है, कौन सा भाई, और जूम करो भाई, नदवई क्या है, नदवई नदवई पहुंच गए भाई, नदवई यहाँ पर ये पंखा वंखा लेके जाया जा रहा है और ये ट्रेन निकल गई भाई, ये ट्रेन तो निकल गई यार हाँ? भाई सब बच गया ये देखो बहुत हैवी है यार, यार क्या दिख रहा है, फस फस कर बैठे फस फस कर देखो जनरल डिब्बा फस फस कर बैठे है जी देखो रही बात देखो इधर देखो इधर इधर देखो इधर ऐसी हालत हो चुकी है कि क्या होता है क्या हो रहा है भाई कतार यहाँ पर देखिए आप तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए आप सामने का सीन, जयपुर के रास्तों का सीन तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है भाई, जो पेड़ पेड़ दिख रहा है वो सामने देखिए वो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से अब पता नहीं कैमरा जो है कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, पर सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ है भाई, तो ये कुछ नज़ारा है। ट्रेन भी काफ़ी स्पीड में है, आपको थोड़ा सा कैमरे में लग रहा होगा, ये 100 प्लस चल ही रही है यार, बहुत जल्दी तो नहीं पहुँचाती ही पता नहीं, ठीक है तो मज़ा आ रहा है भाई सफ़र करने का। और राइट दोस्तों फाइनली हम इतनी मेहनत करने के बाद जयपुर पहुंच चुके हैं। मैं बहुत मेहनत से दो सीटें गिरी थी और उसमें बैठ चुके थे, तो क्या हुआ ना कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है जगह लेते हुए, तो मैं एक सीट पर बैठते हैं, मना भी नहीं कर सकते किया था ड्राइवर, तो क्या करें भाई यार ऐसा हो जाता है, आवाज़ नहीं आ रही। तो फाइनली दोस्तों आप देख रहे हो मेरे पीछे जयपुर जंक्शन, हम लोग बड़ी मेहनत के बाद पहुँचे भाई, आगे थक चुके हैं, हाँ पूरे थक चुके हैं, 99% हम थक चुके हैं। अब सुबह के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या 10:20 हो गया था, हाँ कितने, ठीक है तो इस ट्रेन ने जो है ना बहुत अच्छे टाइमिंग पे हमें छोड़ दिया है यहाँ पे, इसके बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा थोड़ा रेस्ट करने यार, क्योंकि ना बहुत थक गए, ये सारे चले उस साइड से, चलो ठीक है चलते हैं यार।